आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे के तथा के बी में संबंध। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो कहेंगे रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि के और के बी क्या है, तो देखिए के हमारा एसिड का आयनन स्थिरांक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और के बी हमारा बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो अब के और के बी में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि के तथा के बी क्रमशः अम्ल और क्षारक की सामर्थ्यता को दर्शाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि के और के बी हमारे आयनन स्थिरांक हैं, के एसिड और बेस के। तो जाहिर सी बात है कि जैसे केसी से हम लोग बता देते थे कि क्यू अगर केसी से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, और केसी अगर क्यू से ज़्यादा है तो रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड चलेगी, और केसी अगर क्यू से कम है तो बैकवर्ड की संभावना है, और अगर केसी क्यू के बराबर है तो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति बनती थी। तो उसी प्रकार के और के बी को की सामर्थ्य को देख करके हम बता सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। तो देखिए, कह रहा है कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में ये एक दूसरे से समांतर रूप से संबंधित होते हैं। तो कांजुगेट एसिड और बेस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो जो भी कांजुगेट होते हैं यानी संयुग्मी, उनमें एक एच प्लस का अंतर होता है। जिसमें एक एच प्लस ज़्यादा होता है वो एसिड होता है, और जिसमें एक एच प्लस कम होता है वो बेस होता है। और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था, जो एसिड स्ट्रांग है उसका संयुग्मी यानी कांजुगेट वीक होता है। तो जिसका भी चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर स्ट्रांग है तो उसका जो संयुग्मी यानी कांजुगेट एसिड बेस होगा वो वीक होगा। इसी का उल्टा भी संभव है। तो वही कह रहा है कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में से एक दूसरे से सरलतम रूप से संबंधित होते हैं। यदि एक का मान ज्ञात है तो दूसरे को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे बता रहा है कि NH4+ तथा NH3 के उदाहरण की विवेचना करते हैं। तो NH4+ और NH3 के बारे में अगर हम देखेंगे, तो जैसे NH4+ है, इसको पानी में डालेंगे तो NH4+ जल योजित हो जाएगा यानी हाइड्रेटेड हो जाएगा, यानी इसके चारों ओर पानी के अणु इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे किसी रबर या किसी बॉल को पानी में डुबो के निकाल लें तो उसके ऊपर पानी की एक परत बन जाती है। और कब होगा, जब इसकी पानी से रिएक्शन होगी, वो भी लिक्विड स्टेज में यानी तरल अवस्था में, न ठोस में न गैस में। तो इससे H3O+ बन जाएगा, एक्वस प्लस NH3 एक्वस बनेगा। अब इसके लिए अगर हम Ka निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा Ka = प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हमने आपको बताया। तो प्रोडक्ट कौन सा है, H3O+ है एक्वस, और NH3+ है एक्वस, अपॉन रिएक्टेंट कौन है, NH4+ एक्वस। देखिए, पानी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि पानी तो हर जगह है, और पानी में डाला जाता है मेनली इसके टूटने से जो आयन वो बन रहे हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे। तो जो एक्वस है वो लिए गए, लिक्विड है तो इसको नहीं लिया गया। इसी प्रकार देखिए, NH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, इससे NH4+ एक्वस प्लस OH- एक्वस बनेगा। एक बार देखिए H+ या H3O+, और एक बार NH4+ या के साथ OH-। अब यहाँ पर देखिए H+ या H3O+ था तो ये एसिडिक था, तो Ka लिखा गया है एसिड की वजह से। यहाँ पर देखिए OH- है, तो
तो बेसिक होगा इसलिए के बी लिखा गया है। अब प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, NH4+ OH माइनस अपान NH3+, ये नहीं लेंगे। तो ये आ गया हमारा 1.8 × 10^-5, ये इतना होता है, के होता है इस रिएक्शन के लिए इतना और के बी होता है इतना। के और के बी की वैल्यू हम लोग ऊपर पढ़े हैं और देखेंगे तो मिल भी जाएंगे। अब देखिए के बी, तो इसमें NH3 है, तो देखिए NH3 का 1.77 × 10^-5 होता है, यहाँ देख सकते हैं NH3 आर NH4H का 1.77 × 10^-5, इस 7 को हटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1.8 × 10^-5। तो वही चीज यहाँ पर देखिए लिखी है 1.8 × 10^-5, तो इतना होता है। इसी प्रकार हम के लिए देख सकते हैं 5.6 × 10^-10, के की वैल्यू देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, NH3 का कोई जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार से के और के बी की वैल्यू इतना होती है। कह रहा है नोट, 2H2O लिक्विड से H3O+ प्लस OH- बनता है, पीछे भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो KW=H3O+ और OH-। अब H3O+ की सांद्रता होती है 10^-7, 1 × 10^-7, OH- की भी 1 × 10^-7, तो ये हो गया 1 × 10^-14, क्योंकि गुणा में ऊपर की घात यानी पावर आपस में जुड़ जाती है। तो के डब्ल्यू हमारा आ गया 1 × 10^-14 मोलर। तो यहां पर अब देखते हैं, कह रहा है के एन एच फोर प्लस का अम्ल के रूप में तथा के बी एन एच थ्री की क्षार के रूप में सामर्थ्यता दर्शाता है। तो देखिए के में एन एच फोर प्लस लिखा है और के बी में एन एच थ्री क्यों लिखा है, ये भी समझने की बात है। तो हमने आपको बताया था जिसमें एक एच प्लस ज्यादा होता है वो बेस होता है, जिसमें एक एच प्लस कम होता है वो क्षार, या जिसमें एक एच प्लस ज्यादा होता है वो एसिड होता है, और जिसमें एक एच प्लस कम होता है वो बेस होता है। ध्यान दीजिए, बेस मतलब कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार, और ध्यान रहे कि अंतर सिर्फ एक एच प्लस का होना चाहिए। बार बार बता रहे हैं, नीट में यही पूछेगा और आप लोग गलती करेंगे। तो NH4+ से एक एच प्लस इसमें कम है इसलिए ये एसिड है, एच प्लस जिसमें ज्यादा है, और ये उसका कांजुगेट बेस है या कांजुगेट क्षार है। तो के NH4+ का अम्ल के रूप में तथा के बी NH3 की क्षार के रूप में सामर्थ्यता दर्शाता है। नेट अभिक्रिया में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जोड़ी गई अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक का मान के तथा के बी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, नेट अभिक्रिया में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जोड़ी गई अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक का मान के तथा के बी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको ध्यान देना है कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए तो उस समय साम्य स्थिरांक का जो मान होता है वो के और के बी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, या जो ऊपर रिएक्शन लिखी गई हैं, जैसे ये जो दो हमने लिखी हैं यहाँ पर के और के बी, तो इनका दोनों का गुणा कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा। के इक्विलिब्रियम मतलब साम्य स्थिरांक। तो K × KB कर देंगे तो K है H3O+ और ब्रैकेट में NH3 अपान NH4+ गुणे के बी है हमारा NH4+ और OH- अपान में NH3। तो ये NH3 कट जाएगा और इस हिसाब से यहां पर आ जाएगा, ये NH4 भी कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर है ये अपान में नीचे है। तो बचेगा क्या, केवल H3O+ बचेगा और OH-। तो KW=H3O+ प्लस H3O+ × OH-। तो
तो यही के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो के डब्ल्यू हमारा के इंटू के बी के बराबर होगा। अब एच थ्री ओ प्लस की सांद्रता कितनी है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -10। के ए इज्क्वल टू है ये के डब्ल्यू इज्क्वल टू के इंटू के बी होगा। तो के हमारा इतना है और के बी की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिया, तो ये आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर -14 मोलर। अब देखते हैं, ये आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर -14 मोलर, मतलब उस रिएक्शन का के डब्ल्यू उतना ही है जितना पानी का है। तो इसे एक देखिए, पानी का हम लोगों ने निकाला है, ये पानी की रिएक्शन है उसके लिए भी के डब्ल्यू इतना है, और ये जो रिएक्शन थी अमोनिया की उसके लिए भी के डब्ल्यू इतना है। तो के डब्ल्यू वाटर का मतलब कोई भी रिएक्शन हो, के डब्ल्यू का मतलब वाटर, तो ये उतना ही होगी। तो के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू। अब देखिए कह रहा है कि इसे इस सामान्यीकरण द्वारा बताया जा सकता है। किस प्रकार से, कि दो या दो से ज्यादा अभिक्रियाओं को जोड़ने पर उनकी नेट या अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक प्रत्येक अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सिंपल भाषा में इतना हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं को जोड़ने पर उनकी नेट या अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक प्रत्येक अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है, ये निकल करके हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पर के डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू के बी हुआ है। क्योंकि देखिए जब के डब्ल्यू के इंटू के बी किया तो ये सब कट के सिर्फ इतना आ गया, तो जब सब कट के इतना आ गया तो इसका मतलब के और के बी जो है, तो ये जो रिएक्शन है वो जब गुणा करते हैं तो एक दूसरे से इस प्रकार भाग में आ जाती हैं कि केवल पानी का एच थ्री ओ प्लस और ओ एच माइनस ही बचता है। क्योंकि जब उसी अभिक्रिया में एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों, जैसे एन एच फोर प्लस हमारा एच थ्री ओ प्लस आयन भी निकलेंगे एच टू ओ के कारण, और एच टू ओ से ओ एच माइनस आयन भी निकलेंगे, बाकी एन एच फोर प्लस से तो एन एच थ्री ही बनेगा। तो ये आपस में देखिए कट जा रहे हैं, तो केवल एच थ्री ओ प्लस या एच प्लस और ओ एच माइनस बच रहे हैं, इसलिए के डब्ल्यू हमारा कैसे आया, के और के बी का गुणा करके। तो जितनी भी एसिडिक और बेसिक रिएक्शन है उनमें सब में कह रहा है हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं को जोड़ने पर उनकी नेट या अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक प्रत्येक अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर हम इन अभिक्रियाओं को जोड़ दें, ये एक अभिक्रिया है और ये एक अभिक्रिया है, इनको दोनों को अगर हम जोड़ें तो देख लीजिए, जोड़ देंगे अगर तो जोड़ने पर क्या होगा, एन एच फोर इधर है और इधर है तो कट जाएगा, एन एच थ्री इधर है तो कट जाएगा, बचेगा क्या एच टू ओ, टू एच टू ओ यही बचेगा, टू एच टू ओ इक्विलिब्रियम एच थ्री ओ प्लस और ओ एच माइनस इक्वस, इतना ही बच रहा है ये वाला, इसीलिए जोड़ें या अभिक्रिया को जोड़ें कह रहा है, रिएक्शन को जोड़ दें या उनके के डब्ल्यू का गुणा कर दें, एक ही बात, तो या तो जोड़ दें या के इंटू के बी कर दें तो के डब्ल्यू हमें प्राप्त होता है, जो ये के डब्ल्यू यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार से बात को समझने का प्रयास करिए। तो ये हो गया हमारा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं के नेट इक्वल टू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री डॉट डॉट करके कहीं भी। इसी प्रकार संयुग्मी क्षार युग्म के लिए, संयुग्मी क्षार युग्म में अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं तो उनके लिए के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, और अगर दो या दो से अभिक्रियाएं हैं उनके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है तो
दो अभिक्रियाओं के अलग अलग अगर एक का K1 माना जाए एक का K2, तो K टोटल जो आएगा वो K1 इंटू K2 के बराबर होगा, या और भी जितनी हो जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कांजुगेट एसिड बेस युग्म है, संयुग्मी क्षार युग्म, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म होना चाहिए, या यूं कहें किसी एसिड का अम्ल का संयुग्मी क्षार ये युग्म होगा अगर, तो K इंटू KB इक्वल टू KW हो जाएगा। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए, और इसको भी, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर दो अभिक्रियाएं हैं तो उनके लिए K1 K2 मान सकते हैं, और अगर दो ये हैं संयुग्मी क्षार अम्ल युग्म है तो उनके लिए K इंटू KB इक्वल टू KW होगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है यदि एक का मान ज्ञात हो तो अन्य को ज्ञात किया जा सकता है। अगर एक का मान हमको पता हो तो दूसरे का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यह ध्यान देना चाहिए, आप समझिएगा कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल तथा दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है। स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रांग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होता है, यानी स्ट्रांग का दूसरा भाग वीक होता है। ये ध्यान देना है, ऊपर बता चुके हैं। तो वैकल्पिक रूप से उपर्युक्त समीकरण KW इक्वल टू K इंटू KB को क्षारक योजन वियोजन साम्यावस्था अभिक्रिया से भी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि अल्टरनेटिवली द अबव एक्सप्रेशन KW इक्वल टू K इंटू KB कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई कंसीडरिंग द बेस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो बेस जहां पर टूटेगा और टूट करके इक्विलिब्रियम बनेगा तो वहां हम इस रिएक्शन को प्राप्त कर सकते हैं KW इक्वल टू K इंटू KB को। अब कैसे प्राप्त करेंगे इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये रिएक्शन है, कोई बेस है, B का मतलब बेस, तो एक्वस है क्योंकि H2O में डाला गया है, तो BH+ बना लेगा, एक्वस प्लस OH-, पानी का एक H+ इसके साथ जाएगा तो BH+ बनेगा और एक OH- जाएगा, अलग होगा तो OH- एक्वस बनेगा। तो KB इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट BH+ एक्वस है और OH- है अपॉन रिएक्टेंट, B है पानी में डाला गया है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि जल की सांद्रता स्थिर रहती है, ऐसा इसे हर से हटा दिया गया। ध्यान दीजिए क्यों हटाया गया पानी को नीचे, इसलिए क्योंकि H2O लिक्विड की कंसेंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। ये ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि H2O को क्यों नहीं लिया जाता है, तो ये समझने की बात है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आखिर इसको क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नॉमिनेटर ऊपर वाला अंश और डिनोमिनेटर नीचे वाला यानी हर। तो चूंकि जल की सांद्रता स्थिर रहती है ऐसा ही से हर से हटा दिया गया है और वियोजन स्थिरांक में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसको अब आगे देखते हैं, उपर्युक्त समीकरण को H+ से गुणा करने पर तथा भाग देने पर। अब अगर इस समीकरण को हम H+ और ऊपर नीचे गुणा कर दें तो OH- H+ और BH+ होगा अपान नीचे BH+ होगा, तो हो जाएगा KW अपान KA। क्यों? क्योंकि KW इक्वल टू हो जाएगा हमारा H+ और OH- इक्वल टू क्या था KW, और चूंकि प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करें तो BH+ ये वाला अपान B और H+ ये हमारा क्या हो जाएगा KA, क्योंकि A का मतलब एसिड और इसमें H+ है तो ये एसिड है, इस प्रकार से ये होगा। तो ये देखिए BH+ अपान B और H+ दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यानी BH+ ऊपर रहेगा और ये नीचे इतना बचा है, इतने की जगह में हम KA रख दिए और अपान
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है के एक अगर हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बी और एच प्लस अपॉन रिएक्टेंट क्या होगा, बी एच प्लस, क्योंकि बी एच प्लस को अगर तोड़ेंगे तो बी प्लस एच प्लस बनेगा, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसीलिए इसमें देखिए चूंकि उल्टा है, बी एच प्लस ऊपर है और ये रिएक्ट प्रोडक्ट नीचे है बी और एच प्लस, इसीलिए के की बजाय वन अपॉन के लिखा गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो के डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू के बी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी ये ऊपर लिखा गया उसी हिसाब से के डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू के बी हमारा आ गया। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जो भी लिखा गया है वो सही है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि दोनों ओर लघु गुणक लिया जाए, दोनों ओर अगर लॉग ले लिया जाए तो संयुग्मी क्षार तथा अम्ल के मानों को संबंधित किया जा सकता है। तो दोनों ओर अगर हम लोग लॉग ले लें तो एसिड और बेस जो कॉन्जुगेट है उनको आपस में एक संबंध बनाया जा सकता है। संबंध क्या बन जाएगा, पी के एच प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और ये हो जाएगा 14। कब, 298 केल्विन पर। तो पी के प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू इक्वल टू 14, 298 केल्विन पर। ये ध्यान दीजिए ब्रैकेट में जो लिखा है महत्वपूर्ण है, 298 का मतलब कमरे के तापमान पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 272 में 27 जोड़ेंगे तो 299 के आसपास आएगा, यानी कमरे का तापमान यही है। तो इस प्रकार से ये चीज निकल करके आ गई है कि पी के प्लस पी के डब्ल्यू इक्वल पी के प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू इक्वल टू 14। ये देखिए पी के बी इक्वल टू माइनस लाख के बी, इसी प्रकार पी के इक्वल टू माइनस लाख के होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि दोनों ओर लघुगुणक यानी लाग लिया जाए तो ये हमको प्राप्त होगा, हमने खुद साक्षात एनसीईआरटी की किताब में देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 0.05 मोलर अमोनिया ब्लेंड की आयनन की मात्रा तथा पीएच के मान की गणना कीजिए। तो आयनाइजेशन कितना हो रहा है यानी अल्फा, और पीएच की वैल्यू बताना है। अमोनिया के आयनन स्थिरांक का मान तालिका 6.7 में दिया गया है, अमोनिया के संयुग्मी अम्ल का आयनन स्थिरांक भी ज्ञात कीजिए। तो अमोनिया का संयुग्मी अम्ल बताइए क्या होगा, तो अमोनिया NH3 है। अब संयुग्मी अम्ल मतलब एक एच प्लस का अंतर होना चाहिए, और अमोनिया का अम्ल बताना है तो इसका मतलब एक एच प्लस ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा होगा वो अम्ल, जिसमें कम होगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस। तो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4 प्लस, एक एच प्लस जोड़ देंगे NH3 में। तो देखिए अमोनिया का विलयन यानी अमोनिया को पानी में डाल देंगे तभी आयनन होगा, तो NH3 को पानी में डाल दिया तो NH4 प्लस और OH माइनस बन गया। तो NH3 के आयनन को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब 6.33 समीकरण का उपयोग करके हम हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। तो समीकरण 6.33 का उपयोग करके यानी के बी इक्वल टू एम प्लस ओ एच माइनस अपान एम ओ एच, जहाँ सी क्षारक की प्रारंभिक सांद्रता है और अल्फा क्षारक के आयनन की मात्रा है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, निकल भी आएगा। तो देखें यहाँ पर साम्य अवस्था में अब बार बार करने का कोई मतलब नहीं है समय बर्बाद करके। देखिए चलिए बता देते हैं इनिशियल में कितना होगा, इनिशियल पानी का लेना नहीं है क्योंकि ये इसका जो है स्थिर रहता है सांद्रता, तो ये मान लीजिए इनिशियल में सी मोल, सी कंसेंट्रेशन है, सी मोलर है,
ये 0-0 होगा प्रारंभ में, और प्रारंभ में ये सी है, ये 0-0 है, और एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मान लीजिए टूट के सी अल्फा बना, ये सी अल्फा, तो ये कितना होगा सी, और ये एक सी अल्फा घटा देंगे तो सी वन माइनस अल्फा, और ये सी अल्फा सी अल्फा, तो ओ एच माइनस कितना है सी अल्फा, तो ओ एच माइनस सी अल्फा इज इक्वल टू 0.05 अल्फा दिया है सी की वैल्यू, तो के बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा, के बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा, तो यह आ जाएगा 0.1, एक सी से एक सी कट जाएगा तो सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.05 इंटू अल्फा स्क्वायर अपान वन माइनस अल्फा, जो दिया है वही आ गया। तो अल्फा का मान कम है, ये देखिए बहुत कम है, ये एक रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट इतना लिख देंगे, तो अल्फा का मान बहुत कम है, तो समीकरण में दाई ओर के हर यानी डिनोमिनेटर वन की तुलना में अल्फा को नगण्य मान सकते हैं, तो सीधा ये लिख सकते हैं, अगर ये एक से इतना कम है कि ये घटाने पे मान लीजिए 0.00001 आया, बहुत बाद वन आया, कोई मतलब नहीं, इसके मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, तो के बी इज इक्वल टू सीधा 0.05 अल्फा स्क्वायर हम मान सकते हैं, तो वही कह रहा है कि ये नीचे वाले वैल्यू को अगर नगण्य मान लेंगे तो के बी इक्वल टू केवल सी अल्फा स्क्वायर बचेगा, जहां पर अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये के बी अपान सी का रूट हो जाएगा, के बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ये कह रहा है तालिका में देखना है 6.7 में, तो हमने देखा था तो 1.77 इंटू 10^-5 आया था, अभी पढ़े और नहीं वो हो तो देख लीजिए 1.77 इंटू 10^-5 NH3R NH4OH के लिए के बी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हम लोग वैल्यू जब रख देंगे 1.77 इंटू 10^-5 और सी की वैल्यू पता है 0.05 रूट में, तो आ गया 0.018। अब ओ एच माइनस भी सी अल्फा के बराबर होगा, अभी हमने यहाँ दिखाया ओ एच माइनस सी अल्फा था, एन एच फोर प्लस भी सी अल्फा था, कब एट इक्विलिब्रियम, तो ओ एच माइनस भी हमारा सी अल्फा हो गया, तो ये आ गया 0.05 सी की वैल्यू, और अल्फा हमने अभी निकाल लिया 0.018, तो आ गया 9.4 इंटू 10^-4 मोलर। अब एच प्लस के डब्ल्यू इक्वल टू होता है एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस या एच थ्री ओ प्लस इंटू ओ एच माइनस। तो यहां पर देखें जब के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस होगा तो एच प्लस बराबर के डब्ल्यू अपान ओ एच माइनस, तो ये आ गया के डब्ल्यू हमको पता है 1 × 10^-14 पानी का, इतना होता ही है बहुत बार निकाल चुके हैं, तो ये आ गया अपान ओ एच माइनस का निकाले हैं 9.4 × 10^-4, तो ये आ गया 1.06 × 10^-11, तो ये आ गया एच प्लस। अब इसी से हम पी एच निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि पी एच इक्वल टू होता है माइनस लाग एच प्लस, ये डायरेक्ट लिख दिया है, तो एच प्लस की जगह उठा के ये रख दिया 1.06 × 10^-11, क्यों, क्योंकि पी एच इक्वल टू होता है माइनस लाग एच प्लस, तो एच प्लस की जगह उठा के ये रख दिया, तो आ गया 10.97। तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के लिए संबंध प्रयुक्त करने पर के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, ये निकल करके हमारा आ गया जैसा हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कई बार। तो तालिका 6.7 से प्राप्त NH3 के बी का मान रखने पर
हम एनएच फोर प्लस के संयुग्मी अम्ल की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो अगर वो तालिका जो टेबल 6.7 है जिसमें एनएच थ्री के केबी की वैल्यू कितनी दी गई थी 1.77 × 10⁻¹⁵, अगर ये वैल्यू हम रख दें के डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू के बी में, तो जो इसका एनएच फोर प्लस का मतलब एनएच थ्री का संयुग्मी अम्ल है, तो संयुग्मी अम्ल कौन होगा एनएच फोर प्लस, तो इसके लिए के की वैल्यू निकल आएगी, यानी अम्ल का आयनन स्थिरांक या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कॉन्जुगेट एसिड किसका एनएच थ्री का, तो के डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू के बी, तो के इक्वल टू के डब्ल्यू अपान के बी नीचे चला जाएगा, के डब्ल्यू 10⁻¹⁴ है अपान के बी हमने अभी निकाला है 0.018, नहीं ये अल्फा की वैल्यू, के बी तो ये सारणी में दिया गया 1.77 × 10⁻¹⁵, तो आ गया 5.64 × 10⁻¹⁰। तो इस प्रकार से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो एनसीईआरटी जब आपको आने लगेगी तो नीट या आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब आ गया द्वि एवं बहुक्षारकीय अम्ल तथा द्वि एवं बहुक्षारकीय अम्लीय क्षारक, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यही था।